भगवान के पास वापस प्रभुपाद श्री प्रभुपाद अपने अंतिम निर्देशों पर बोलते हैं वापस गॉडहिट की ओर जनवरी फरवरी 1978 उनके अंतिम निर्देश अपने अंतिम महीनों के दौरान श्री प्रभुपाद शारीरिक रूप से बहुत सक्रिय नहीं थे और वे अपेक्षाकृत कम बोलते थे। फिर भी जब उन्होंने बात की तो उनके शब्द आध्यात्मिक शक्ति से भरे हुए थे। श्री प्रभुपाद के अंतिम कथनों के ये अंश शुद्ध भक्त और सार्वभौमिक शिक्षक के मन को प्रकट करते हैं और वे दिखाते हैं कि श्री प्रभुपाद वास्तव में एक दिव्य व्यक्तित्व हैं, जिनकी भगवान कृष्ण के प्रति भक्ति और कृष्ण के प्रेम को फैलाने का मिशन अमर है। मैं बात नहीं कर सकता हूँ, मैं कमजोर महसूस कर रहा हूँ। मैं चंडीगढ़ और अन्य जगहों की यात्रा करना चाहता था, लेकिन मैंने अपना कार्यक्रम बदल दिया क्योंकि मेरा स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। मैंने यहाँ वृंदावन भगवान कृष्ण की भूमि आने का फैसला किया। यदि मृत्यु होती है तो उसे यहीं होने दो, कहने के लिए कुछ भी नया नहीं है। मुझे जो कुछ भी कहना था मैंने अपनी किताबों में पहले ही कह दिया है। अब आप सभी को इसे समझने की कोशिश करनी चाहिए और अपने प्रयासों को जारी रखना चाहिए। मैं मौजूद हूँ या नहीं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कृष्ण नित्य जीवित हैं वैसे ही जीव भी सदा जीवित रहते हैं। लेकिन विशेष रूप से कीर्तिर्यस्यसा जीवति, जिसने भगवान की सेवा की है वह हमेशा जीवित रहता है। आपको कृष्ण की सेवा करना सिखाया गया है और कृष्ण के साथ हम अनंत काल तक जीवित रहेंगे। हमारा जीवन शाश्वत है। ना हन्यते हन्यम ने साड़ी, इस अस्थाई शरीर के गायब होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। शरीर मिटने के लिए है, तो कृष्ण की सेवा करके हमेशा के लिए जियो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दो चीजें हैं, जीवन और मृत्यु। तो अगर मैं मर जाऊं तो इसमें गलत कहां है? अगर मैं मर जाऊं तो यह स्वाभाविक है। हमारा पैसा केवल कृष्ण के लिए खर्च किया जाता है। कृष्ण का महल, कृष्ण का मंदिर, कृष्ण की पूजा, कृष्ण की महिमा, ये हमारे व्यक्तिगत आनंद के लिए नहीं है। यही मानव जीवन है। और मैं यह भी चाहता हूं कि आप वर्णाश्रम समाज वैदिक सामाजिक संरचना को संगठित करें, समाज को विभाजित करें, ब्राह्मण बौद्धिक वर्ग क्षत्रिय प्रशासक और इसी तरह। जिस प्रकार हमारे शरीर के विभिन्न अंगों का विभाजन होता है उसी प्रकार सामाजिक विभाजन होना चाहिए। इससे लोगों को मदद मिलेगी। पापमय जीवन द्वारा मानव जीवन को व्यर्थ न गवाएं। मैं पहले ही अपनी किताबों में विचार दे चुका हूं, इसलिए आप सभी को उन्हें पढ़ना चाहिए। आप बुद्धिमान हैं, आप सब। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि परोपकार, दूसरों का भला करो, उनका शोषण मत करो। हरे कृष्ण का जप करने की क्षमता किसी भी मनुष्य में है। उन्हें जप दें, साथ ही स्थिति को अनुकूल बनाएं। स्पष्ट है क्या? यह हमारा मिशन है। हमारे पास जो कुछ भी है दूसरों को सिखाएं। सारा संसार संकट से भरा हुआ है, इसलिए हमारा गुरुकुल स्कूल इस उद्देश्य के लिए है, छात्रों को पढ़ाने के लिए और उन्हें दुनिया भर में दूसरों को पढ़ाने के लिए जाने देना। दुर्लभा मानव जन्म सत्संगे तराहा ए भव सिंधु रे। मानव जीवन विशेष रूप से भक्तों की संगति में बहुत कम ही प्राप्त होता है, तो कृपया इस अवसर का लाभ उठाकर भौतिक अस्तित्व के सागर को पार करें। मेरे गुरु महाराज आध्यात्मिक गुरु ने कहा, जो भी पैसा है उसका उपयोग किताबें छापने के लिए करें। वह किताबें छापने में बहुत खुश था, तो यह सब बहुत अच्छी तरह से करें। मेरे गुरु महाराज कहा करते थे, छोड़ो छापो, छापते रहो। मैंने अपनी किताबें छापी, अब तुम वही करो। आध्यात्मिक पुस्तकों की छपाई हमारी जीवन शक्ति है। अधिक पुस्तकें प्रिंट करें। यह भौतिक शरीर केवल हड्डियां हैं, लेकिन छापते रहो, यही जीवन है। हमें हड्डियों और पत्थरों से कोई सरोकार नहीं है। हमारी चिंता जीवित शक्ति है, अपरिमित स्टीवी अन्य प्रकृति विधि में परम। जीवित शक्ति इन अस्थियों को धारण कर रही है। भौतिक संसार में लोग केवल हड्डियों और मांस की रक्षा कर रहे हैं, उनके पास कोई आध्यात्मिक विचार नहीं है। मामला ने आप पृथ्वी पानी को मिलाते हैं, इसे आग में डालते हैं और फिर एक इमारत बनाते हैं, लेकिन पदार्थ स्वचालित रूप से कार्य नहीं कर सकता। पदार्थ में मन या चेतना या गति नहीं हो सकती। यह कहना बकवास है कि पदार्थ जीवन को जन्म देता है, बात का कोई मतलब नहीं है। जीवन श्रेष्ठ ऊर्जा है, बात बेकार है। भूमि रपो नालो वायु भौतिक तत्व बेकार है, लेकिन एक और है, श्रेष्ठ प्रकृति। यहेदम धर्यते जगत, और वह प्रकृति वास्तव में पूरे ब्रह्मांड को नियंत्रित कर रही है। आप शिष्य सभी बुद्धिमान और अनुभवी पुरुष हैं, आप इस आंदोलन का प्रबंधन जारी रख सकते हैं। यदि मैं विदा हो जाऊं तो शोक का कोई कारण नहीं है। मैं हमेशा अपनी किताबों और मेरे आदेशों के माध्यम से आपके साथ रहूंगा। मैं हमेशा इसी तरह तुम्हारे साथ रहूंगा। मैंने एक भी पल बर्बाद नहीं किया। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की और यह कुछ हद तक सफल भी रहा है। संकीर्तन, भगवान के पवित्र नामों का सामूहिक जप करें। चैतन्य महाप्रभु के झंडे के नीचे सभी यूरोपीय, अमेरिकी, अफ्रीकी संयुक्त राष्ट्र, सब कुछ वैसा ही करो जैसा मैंने तुम्हें दिखाया है। हो सकता है यही असली संयुक्त राष्ट्र है। आप चैतन्य महाप्रभु के संरक्षण में प्रयास करें और चीजें सफल होंगी। दूसरे बस अपना समय बर्बाद करेंगे और निराश होंगे।
वे एक शरीर से दूसरे शरीर में बदलेंगे और पीड़ित होंगे। जैसे ही कोई कृष्ण को भूल जाता है और स्वतंत्र रूप से जीवन का आनंद लेना चाहता है, वह नीचे गिर जाता है। भौतिक उद्देश्यों को छोड़ देना चाहिए और जो कुछ भी अनुकूल हो उसे कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए, तभी सफलता मिलेगी। यह पूछे जाने पर कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन के नेता के रूप में उनका उत्तराधिकारी कौन होगा, श्री प्रभुपाद ने उत्तर दिया, मेरे सभी शिष्य विरासत को ग्रहण करेंगे, आप चाहें तो इसे भी ले सकते हैं, सब कुछ कुर्बान कर दो, मैं एक जल्द ही गुजर सकता है, लेकिन वे सैकड़ों हैं और यह आंदोलन बढ़ेगा। ऐसा नहीं है कि मैं आदेश दूंगा, यहाँ अगला नेता है, जो कोई भी पिछले नेतृत्व का अनुसरण करता है वह एक नेता है। मैं भारतीय और यूरोपीय में कोई भेद नहीं करता, मेरे सभी शिष्य नेता हैं, जितना वे शुद्ध रूप से अनुसरण करते हैं। अगर आप फॉलो करना चाहते हैं तो आप लीड भी कर सकते हैं, लेकिन आप अनुसरण नहीं करना चाहते हैं। नेता का अर्थ है वह जो प्रथम श्रेणी का शिष्य है, वह परंपरा प्राप्तम, जो पूरी तरह से पालन कर रहा है। हमारा निर्देश है गुरु मुख पद्म वाक्य, क्या आप यह जानते हैं? आरा न कर ही माने आशा, मेरा एकमात्र इच्छा मेरे आध्यात्मिक गुरु के कमल मुख से निकले शब्दों से मेरी चेतना को शुद्ध करने की है। एक नेता बनना बहुत मुश्किल नहीं है, बशर्ते कोई व्यक्ति वास्तविक गुरु के निर्देशों का पालन करने के लिए तैयार हो।